राजा बड़िंग ते 30 करोड़ पे दे कपले दे इल्जाम लगे ने। ट्रांसपोर्टर सन्नी ढिल्लो ने आरटीआई जरिए एक खुलासा कीता है। उन्हें कहा कि ट्रांसपोर्ट मंत्री रहंदे बड़िंग ने सरकारी खजाने नु चूना लगाया। तो कांग्रेसी आगू राजा बड़िंग ते वड्डा इल्जाम लगे है। ट्रांसपोर्टर सन्नी ढिल्लो ने आरटीआई जरिए वड्डा खुलासा कीता है ते कहा कि ट्रांसपोर्ट मंत्री रहंदिया बड़िंग ने सरकारी खजाने नु चूना लगाया। 3 लाख रुपए वध दे के बसा की बॉडी लगवाई गई है। सन्नी ढिल्लो ने जो इल्जाम लगाए ने, राजा वड़िंग ने कपले तो हालांकि इनकार किया। उन्होंने कहा कि हर कार्रवाई लिए तैयार ने। श्रोमणी अकाली दल ने कथित बस बॉडी बिल्डिंग घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान नू जांच सीबीआई नू सौंपण की अपील श्रोमणी अकाली दल वालों की गई है। साबका ट्रांसपोर्ट मंत्री से 840 बसा की खरीद में 30 लाख रुपए प्रति बस घोटाला करने के इल्जाम लगाए ने। भ्रष्टाचार बर्दाश्त न करने का ऐलान करने वाले मुख्यमंत्री तुरंत कार्रवाई कर सिकंदर सिंह मलूका ने मांग की है। तो पंजाब कांग्रेस प्रधान जड़े ने राजा वड़िंग उन्होंने गंभीर इल्जाम लगे ने। अपनी पिछली जो कांग्रेस सरकार सी ट्रांसपोर्ट मंत्री सी तो उस वेले उन्होंने वड्डे घोटाले करन दे इल्जाम जड़े ने ओ लगे ने, जिसकी की हुण सीबीआई जांच की मांग जड़ी है वह की जा रही है। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान तो सीबीआई नू ए मामला सौंपण की अपील की गई है। हालांकि राजा वड़िंग ने इन तमाम इल्जामों नू नकारदिया कहा कि वह किसी भी तरह की जांच लई तैयार ने। ट्रांसपोर्टर सन्नी ढिल्लो ने आरटीआई राही जिहड़ा है एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट मंत्री रहिंदिया वड़िंग ने सरकारी खजाने नू चूना लगाया। माफिया की गल करते हो, केड़ा माफिया? जनता जानती है वड्डे मगरमच्छ फड़ो कौन है, वड्डे मगरमच्छ कौन है जिन्होंने पंजाब नू लुटिया कौन है, जनता जानती है, दसो भाई। जिन्हां वड्डे मगरमच्छां नू फड़न दीआं गल्लां साबका ट्रांसपोर्ट मंत्री ते मौजूदा पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग अपने इस पुराने वीडियो च कर रहे ने, हुण इल्जाम है लग रहे ने कि वह खुद किसी वड्डे मगरमच्छ तो घट नहीं जिसनू फड़न दी लोड़ है, जिस ते शिकंजा कसन अते कार्रवाई करन दी लोड़ है। ये इल्जाम लगाए ने गिद्दड़बाहा दे रहण वाले सन्नी ढिल्लो ने, जिन्हां दा दावा है कि बतौर ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ने 30 करोड़ तो भी वध दा घोटाला ट्रांसपोर्ट विभाग च कीता है। आरटीआई दे जरिए खुलासा करन वाले सन्नी ढिल्लो दा इल्जाम है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब रोडवेज अते पीआरटीसी दे लई 840 नवीं बसा खरीदियां। इन्हां बसा दे उत्ते बॉडी लगाउण दा काम राजस्थान दे जयपुर दी इक कंपनी तो करवाया गया। इस कंपनी ने एक बस की बॉडी लगाने लिए तकरीबन 12 लाख रुपए पंजाब सरकार तो वसूले। इस तो अलावा तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का डीजल इन्हों बसा के जयपुर आन जान दे विच खर्च किया गया। पंजाब दी कंपनियां घट कीमत से बॉडी लगाने तैयार सन, पर भ्रिष्टाचार करने लिए राजा वड़िंग ने जयपुर की कंपनी नू चुने। पिछली सरकार ने पिछले साल जो ट्रांसपोर्ट मंत्री सी राजा वड़िंग इन्हें 840 बसा पंजाब रोडवेज ते पीआरटीसी च पाइया सी जी नवीं, ते इन्हें जी उतों बॉडियां लवाइया अपना जयपुर तो करीब करीब जयपुर तो 11,98,840 करीब 12 लाख रुपए की बॉडी जी का बिल मेरे को। खुद राजस्थान रोडवेज है जी वो भदौड़ों बॉडी लवा के जाती है जी, तो अपने श्रीमान जी नलायक मंत्री चोर मंत्री उत्थे पैसे खान का महाराज जयपुर गया। सन्नी ढिल्लो ने अपने इल्जामों को साबित करने के लिए यह डॉक्यूमेंट भी पेश किए। पंजाब स्टेट बस स्टैंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड वालों जयपुर की कंपनी BMMS फैब्रिकेटर्स नू लिखी गई इस चिट्ठी च एक बस से बॉडी लगाने लिए 11,98,880 रुपए की कीमत से सहमति दी गई। इस तो अलावा सन्नी ढिल्लो ने पंजाब के भदौड़ दियां दो कंपनियां वालों विभाग नू भेजिया गई कोटेशंस भी जारी कीतियां ने। इन्हां चों हरगोविंद कोच 8,40,000 रुपए च अते गोविंद कोच ओही काम 8,25,000 रुपए दे विच करन दे लई राजी सन। उस तो बाद 2018 च अपना गोविंद कोच दियों 100 पूरी बस लवाई सी इन्होंने बॉडी पीआरटीसी ने 7,10,000 दे हिसाब नाल विद ऑल टैक्सिस।
तो उन्होंने हुण कोटेशन दी सी 8,20,000 की, क्योंकि 3 साल 4 च महंगाई वध गई, पर यह गए जयपुर लवाउण, जिहदे च आउण जाण दा खर्चा ही डीजल दा कल्ला बिना तनखाह बिना डेलियां तो 1,51,00,000 रुपया डीजल फूक के गड्डियां बॉडी लवाउण गई, डीजल फूक के गड्डियां इत्थे बॉडी लवाउण आई, 4,00,000 रुपया पर बस। अमरिंदर सिंह राजे वड़िंग ट्रांसपोर्ट मंत्री उस वेले दे ने खादा, जे किसी नूं कोई कांग्रसी नूं किसी नूं शक होवे तां मेथों कागज लै जे ते जां इह सफाई दे दे वी नहीं खादा। सन्नी ढिल्लों ने यह सारे सबूत पेश करने तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान तो अपील की है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। उधर यूथ अकाली दल के प्रधान परमबंस सिंह बंटी रोमाणा ने भी ट्वीट किया है कि वड्डे मगरमच्छ हो जिन्ने 800 सरकारी बसा की बॉडी लवाउण च करोड़ां खाधे, जिन्ने पंजाब च 8,25,000 की बजाय जयपुर तो 11,98,000 की बॉडी लवाई, जिन्हें हर बस मगर 3,73,000 रुपए ते 800 बसा मगर सरकार नू 30 करोड़ रुपए का चूना लाया। भगवंत मान फड़ो इन्हां वड्डे मगरमच्छां नू के 75-25 है। हालांकि राजा वड़िंग ने इस मसले ते सफाई दिंदिआं मांग की है कि जेकर उन्हां दे कार्यकाल च कोई घोटाला होया है तां बेशक उन्हां ते कार्रवाई करो, पर उस तों पहलां विभाग के सारे अधिकारियों ते भी कार्रवाई करो, क्योंकि कम उन्हां दे गए मुताबक हुंदा है। पोलिटिकल वेंडेटा, वाई ओनली मंत्री, सारे क्यों नहीं? जो मंत्री ने कुछ गलत किया है थले सारा तमाम अधिकारी है, 99% वही काम होंगे जो नीचे अधिकारी कहते हैं। तो मेरा ख्याल जेड़ा भी योजे काम च पाया जाता है बिल्कुल वे कार्रवाई कर, लेकिन थल्यों लैके सारे एक तरफा काम हो, क्योंकि 5-5 साल तो नाल अधिकारी भी चला रहे ना, इन्हों का थले जो जिस फाइल जितों तुर के आँदी है जो लगता कोई कमी पाई जा रही है, एवें नहीं फलाने फड़ लिया तो फलाने कहता, कोई पुख्ता सबूत हैं तो जरूर कर। बतौर ट्रांसपोर्ट मंत्री अपने महज 3 महीनों के कार्यकाल राजा वड़िंग ने निजी बस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करके वाहवाही बटोरन की कोशिश की थी। हालांकि उस समय भी राजा वड़िंग के फैसले अदालत च टिक नहीं सी सके, हुण देखना ही है कि मंत्रियों तो लैके संतरियों तक ते कार्रवाई करने वाली भगवंत मान सरकार इस भ्रष्टाचार की कोई भी जांच करवाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, BTC न्यूज़।